नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी की दिशा निर्देशों में ढील दी गई है, साथ ही उत्सवों का समय चल रहा है। इन हालातों में सावनेर थाना के थानेदार मारुति मुलुक के नेतृत्व में पुलिस ने एक अभियान के तहत रूट मार्च कर नागरिकों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। हाल ही में सावनेर पुलिस की एक टुकड़ी ने शाम के समय बस स्टैंड, गांधी चौक, गडकरी चौक, बाजार चौक, मडकी चौक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिलाजी कारोकार चौक, होली चौक आदि के रास्ते में सभी सावनेर थाना अंतर्गत पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, रिजर्व पुलिस बल, होमगार्ड दस्ते आदि के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक पथ संचालन कर अपनी सजगता व शक्ति प्रदर्शन कर चेतावनी दी और असामाजिक तत्वों को यह संदेश दिया कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नागरिकों को पुलिस की इतने बड़े पैमाने पर मौजूदगी देखकर यह एहसास हुआ कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हमारे साथ है। पूरे देश में स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन इस अभियान का शायद कोही शहर में कोई असर नहीं पड़ा है। विशेष बात तो यह है कि इसी कोही नगर पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, लेकिन गत कुछ माह से यहाँ पर खुले में कचरा पेटी में कचरा 2-3 महीने से निकल कर साफ नहीं किया। उस पेटी में कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसकी वजह से परिसर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने भी नगर पंचायत को लिखित ज्ञापन देने के बावजूद इस कचरा पेटी में जमा पड़ा कचरे के ढेर को नहीं हटाया गया है, जिससे नगर पंचायत के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। तहसील शहर में वार्ड नंबर 15 में एक मकान के बगल में और डॉक्टर राठी दवाखाना के भारी मात्रा में कचरे का डंप कर रखा है। इस कचरे के कारण परिसर में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। कुही शहर में पिछले 2 महीने में कई लोग डेंगू से संक्रमित भी हो चुके हैं और डेंगू के मरीज भी सामने आ चुके हैं। हालांकि नगर पंचायत अभी भी मामले को लेकर लापरवाही बरत रही है, अतः साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील ग्रामीणों ने की है। कोविड 19 महामारी के मद्देनजर और सुरक्षा के सभी नियम का पालन करते हुए न्यू बीना बुद्ध विहार में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भानेगांव सरपंच रविंद्र चिकले के हाथों पंचशील ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। कोरोना के मद्देनजर पर सावधानी बरतते हुए सभी ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया। कार्यक्रम के दौरान सभी बौद्ध उपासक व उपासिका प्रमुखता से उपस्थित थे। विभिन्न जातियों व धर्मों के लोग अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ आकर तमाम उत्सव मनाएं और शहर में एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उपरोक्त वक्तव्य न्यू कामठी थाना के वरिष्ठ थानेदार संतोष वैरागड़े ने नवरात्र के अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह का मार्गदर्शन करते हुए तारा माता मूर्ति की पूजा अर्चना आरती करते हुए व्यक्त की। इस मौके पर सहायक थानेदार सुरेश कन्ना के मंदिर पंच समिति के अध्यक्ष टीताराम भोगे गुरुजी, येरखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच मंगला मनीष कारेमोर, पूर्व सरपंच मनीष कारेमोर, मंदिर पंच समिति के सचिव व पत्रकार प्रोफेसर सोदाम राखड़े, जगदीश झाड़े, वसंतराव गुजेवार, वसंतराव भाई दे, मधुकर ढोले, मुरलीधर पारधी, मनोहर पारधी, रमेश कारेमोरे, सुरेश दास, अशोक कारेमोरे, भावराव देशमुख, शीला देशमुख, उषा कारेमोरे, रजनी कारेमोरे, सुषमा राखड़े, घनश्याम कारेमोरे, युवराज भोगे, संगीता भोगे, वत्सला गुजेवार, प्रवीण भाई दे, भोजराज अंबालकर, सरिता भोयर, मीना दास, सरजीराव पोवले, सुशील सोनटक्के, रूपचंद चामत आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक सुदाम राखड़े ने किया, मंच संचालन प्रोफेसर किशोर ढोले ने एवं आभार प्रदर्शन प्रवीण भाई दे ने किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा को सर्वोपरि रखा और अपने अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। आपने कहा कि तुम्हारे बीच सबसे अच्छा वह व्यक्ति है जो मानवता के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। इस सिलसिले में जमात ए इस्लामी हिंद नागपुर पिछले 13 वर्षों से ऐच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रही है।
मिलादुन्नबी के अवसर पर जमाते इस्लामी हिंद नागपुर, मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नागपुर और यूथ विंग नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में भव्य ऐच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 19 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 स्थानों पर ये कैंप जाफरनगर अवस्थित चौक के न्यू चोपड़े लॉन, झिंगाबाई टाकली के गुरुदेव सेवा मंडल, भालदारपुरा बेरिंग मार्केट के राजधानी मिल स्टोर, मोमिनपुरा की मुस्लिम लाइब्रेरी ग्राउंड, टेका के आसी नगर चौक पर स्थित ताज होटल के सामने, हसनबाग चौक के राजेंद्र हाई स्कूल, दहेगांव के दहेगांव फाटा तथा कामटी की अंजुमन जियाउल इस्लाम लाइब्रेरी में आयोजित हो रही है। 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर डॉक्टर अनिरुद्ध राउत ने बाबा साहेब आम्बेडकर चौक रामटेक पर झंडा लहराया और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूर्णाकृति पुतले पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात धम्म ज्योति बुद्ध विहार में देवचंद धम्मगाय द्वारा ध्वजारोहण किया गया और विहार में त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया। इस मौके पर धम्म ज्योति बुद्ध विहार अध्यक्ष विनोद राउत, उपाध्यक्ष भोजराज अंबादे, सचिव नितिन भैसारे, संयुक्त सचिव अश्विन सहारे, उत्तम अंबादे, विनोद पाटिल, भीमराव इंदौरकर, देवका अंबादे, प्रतीक अंबादे, विभोर राउत, धीरज राउत, अरविंद सांगोड़े, अशोक अंबादे, अतुल डोंगरे, प्रियांशु अंबादे, देवानंद जाम्बुलकर, अनिल धमगाय, शोभा राउत, संध्या अंबादे, किरण धमगाय, सायत्रा कराड़े, अखिल धमगाय, तुषार धमगाय उपस्थित थे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हिंगना तालुका द्वारा बालाजी नगर में सत्कार समारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े के हाथों राजू चौधरी का सत्कार किया गया और उन्हें नागपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त राजू भाव चौधरी ने जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे लगाए। कार्यक्रम के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े, वही महासचिव शरद जी वानखेड़े, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, युवा सचिव राजकुमार घुले, महिला अध्यक्षा कल्याणी मानकर, विभागीय महिला अध्यक्षा नैना झाड़े, नवनियुक्त जिला परिषद सदस्य रश्मिताई कोटगुले, पंचायत समिति सदस्य लीलाधर पटले, विदर्भ अध्यक्ष विजय पटले, विदर्भ अध्यक्ष सुरेंद्र मोरे, उद्योजक प्रभाकर देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता नाना सातपुते, लीलाधर देशमुख, रवि देशमुख, संदीप चौधरी, ज्येष्ठ नागरिक बाजीराव सराटकर ने प्रमुख उपस्थिति दी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन इसार सनी ग्राम पंचायत सदस्य प्रीति राउत ने किया, वही प्रास्ताविकता बबन राव पडोले ने किया और आभार दिलीप राउत ने माना। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंगना और नागपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारी व संगठक चंद्रशेखर राउत, साइली थोटे, अनिल मारोटकर, राम सपकाड़े, गजानन भोयर, करिश्मा योथलकर आदि ओबीसी भाइयों ने सहयोग किया। खापरखेड़ा क्षेत्र जय भोले नगर के पंचायत समिति सदस्य ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। चंद्रशेखर पदम कांग्रेस पार्टी व मंत्री सुनील केदार के निष्ठावान कार्यकर्ता बताए जा रहे। पदम ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चनकापुर पंचायत समिति गण 34 में से 5 जनवरी 2020 के चुनाव में एसटी जनरल आरक्षण सीट से निर्वाचित हुए थे। किसी कारणवश आने से पद का इस्तीफा पंचायत समिति सभापति अरुणा शिंदे को सुपुर्द किया था, जिसे सभापति महोदय ने 7 अक्टूबर 2021 को मंजूर कर लिया और आगे की जीवन शैली के लिए शुभकामनाएं दी गई। बताया जा रहा है कि हाल ही कुछ दिन पहले जिला परिषद व पंचायत समिति पोर्ट निवर्णुक का चुनाव हुआ, जिसकी लगभग शुरू हो गई। चंद्रशेखर पद उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहे। चनकापुर पंचायत समिति सर्कल में सदस्य पद रिक्त होने से आगामी पोर्ट चुनाव कब होगा, इस ओर राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित हो रहा, जिसके चलते अभी से ही हलचल शुरू हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्रंथालय विभाग प्रदेश अध्यक्ष उमेश दादा पाटिल से मुंबई स्थित पक्ष कार्यालय में नागपुर जिला ग्रामीण ग्रंथालय विभाग के अध्यक्ष विशाल गाड़बैल एवं राकापा हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोनू गोयल ने मुलाकात कर ग्रंथालय संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में ग्रंथालय प्रबंधन संबंधित कई विषयों पर मान्यवरों द्वारा नतीजे पर पहुँचा गया।
हाल ही में हुए कामठी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में सहकार पैनल के विजयी संचालक उम्मीदवारों का रनाला स्थित श्री कृष्णा मंदिर में जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मुंबई संचालक व कामठी सभापति हुकुमचंद आमधरे, जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेकुर वाले, पंचायत समिति सदस्य आशीष मल्लेवार की उपस्थिति में सत्कार किया गया। कोरोना काल की वजह से पिछले साल नवरात्र में कोविड-19 के चलते आस्थावान भवानी माता के भक्त मां जगदम्बा के दर्शनों से वंचित रहे थे। इस बार मंदिर खुला तो परंपरागत रूप से भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है, लेकिन शासन के नियम का पालन करना जरूरी समझा जाता है। इस पश्चात नवरात्रि उत्सव अंतिम दिन में आते हुए भी मां जगदम्बा कोराडी मंदिर में दर्शनों के लिए आस्थावान भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। बोलिए सांचे दरबार की जय, प्यार से बोलो जय माता दी करते हुए लोग लाइन में लगे और धीरे धीरे आगे बढ़कर सभी ने मां जगदम्बा का दर्शन लिया। 9 दिन चलने वाला नवरात्रि उत्सव के लिए पहले दिन से ही मंदिर व्यवस्थापन कमेटी और शासन ने पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा। मंदिर में मनोकामना प्रज्वलित ज्योत लगाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर का संपूर्ण परिसर अंदर बाहर से सजाया गया, जिसे रोशनाई से आकर्षण केंद्र बिंदु लग रहा था। मंदिर परिसर में दुकानों की संख्या सैकड़ों की तादाद पर बढ़ती बताई जा रही है। मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए VIP पास की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना को मद्देनजर रखकर कोरोना का टीका एवं स्वास्थ्य शिविर भी लगाए। सावनेर तालुका के GTN टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड खुरज गांव में श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए GTN टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड में संपन्न इस शिविर में विजय बसवार अध्यक्ष, GTN कामगार संगठन की अध्यक्षता तथा नंदलाल राठौर, सहायक कल्याण आयुक्त GKN इंडस्ट्रीज, उपाध्यक्ष HK मिटकरी, अस्थि रोग तज्ञ डॉक्टर गुंजन ढूंढेले, नेत्र रोग तज्ञ डॉक्टर जयंत कड़स्कर, डॉक्टर संदीप पाल, डॉक्टर कनौजिया, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खान आदि की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर सहायक कल्याण आयुक्त नंदलाल राठौर ने सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उसे इन योजनाओं का लाभ लेने का अनुरोध किया। साथ ही कंपनी प्रबंधन द्वारा कोरोना काल में कामगारों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और देखभाल करने के लिए कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। तो वही आयोजन तथा कामगार संगठन के अध्यक्ष विजय बसवार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कामगार संगठन सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में अस्थि रोग तज्ञ डॉक्टर गुंजन ढूंढेले, नेत्र रोग विशेषज्ञ जयंत कड़स्कर, डॉक्टर खान, डॉक्टर पाल और उनके सहयोगियों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। भटके विमुक्त हक परिषद की नागपुर शाखा के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उप जिलाधिकारी विजया बनकर के मार्फत दिए एक पत्रक में मांग की है कि भटके विमुक्त और SBC के सेवा पदोन्नति आरक्षण में प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकीय जानकारी जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित हलफनामा प्रस्तुत करके सेवा पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव सीताराम कुंटे शासकीय समिति द्वारा प्रस्तुत हलफनामा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसके पृष्ठ 41 और 43 में कहा गया है कि भटके विमुक्त और विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रचार में आरक्षण असंवैधानिक है। इससे सभी भटके विमुक्त और विशेष पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ेपन को साबित करने से दक्षता की उम्मीद की जा रही थी प्रशासन का, जो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसीलिए उच्च न्यायालय ने पदोन्नति आरक्षण GR 2004 को रद्द कर दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण अधिनियम 2001 को बरकरार रखा और केवल नागराज मामले की शर्तों के अनुसार पदोन्नति के फैसले को रद्द कर दिया। भटके विमुक्त जाति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
वाड़ी नगर परिषद के सफाई कामगारों को वेतन नहीं मिलने से उनका दशहरा अंधेरे में हो रहा है। वेतन मिलने की मांग को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी, जिला अध्यक्ष सतीश कोल्हे, शहर अध्यक्ष अजय ढोके के नेतृत्व में वाड़ी नगर परिषद कार्यालय पर मनसे कार्यकर्ता धड़के। नगर परिषद कार्यालय के अंदर ही मनसे कार्यकर्ताओं ने धरना देकर नारे दिए। पुलिस का बंदोबस्त तगड़ा रहा। मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारे वाले कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से उप मुख्याधिकारी रत्नमाला फिटिंग ने मोर्चा संभाला। हेमंत गडकरी ने कहा कि ठेका कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध हम कर रहे हैं। मनसे ने श्रम आयुक्त को भी इसकी शिकायत की है। श्रम आयुक्त ने मुख्य अधिकारी को पत्र देकर समस्या हल करने के निर्देश दिए। बावजूद मुख्य अधिकारी ने ठेकेदार का 7 माह का पेमेंट इश्यू नहीं करने से ठेकेदार ने कामगारों का केवल 2 माह का वेतन रोका है। नगर परिषद ने ठेकेदार को समय पर वेतन किया तो ठेकेदार कामगारों का वेतन समय पर देगा, लेकिन नगर परिषद मुख्य अधिकारी ही पेमेंट निकालने में देरी करते हैं। बताया गया कि वाड़ी नगर परिषद में सेवा मल्टीपर्पज सर्विसेज के 39 रोजनदारी, 40 के करीब सफाई कामगार घंटा गाड़ी पर 24 तथा भगत प्लास्टिक में 35 सफाई कामगार कार्यरत है। वाड़ी के सफाई का जिम्मा इन 2 कंपनी पर है, लेकिन इन कामगारों को समय पर वेतन नहीं मिलने से मनसे ने आवाज उठाया। वाड़ी के एक गोडाउन से लाखों रुपए के तांबा चोर को वाड़ी पुलिस ने धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागलवाड़ी स्थित गोडाउन से ऑक्सीजन के उपकरण की 3,95,000 रुपए चोरी का मामला गोडाउन मालक पालकर सोसाइटी वाना डोंगरी निवासी बबन शंकर राव आमले उम्र 43 के यहाँ 23 सितंबर 2021 को हुआ था, जिसकी शिकायत वाड़ी थाने में 25 सितंबर को दर्ज की। चोरी के मामले को गंभीरता से लेकर वाड़ी डीबी के पीएसआई साजिद अहमद सुनील मस्के ने जांच शुरू की। इंदिरा नगर झुग्गी नागलवाड़ी निवासी आरोपी सुनील सुंदर दुंगो के साथ एक विधि संघर्ष बालक को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार गोडाउन में काम करने वाली एक महिला गोडाउन को बंद कर घर चली गई। जब दूसरे दिन सुबह गोडाउन में आई तो उसे अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत मालक को सूचित किया कि गोडाउन में ऑक्सीजन के तांबे के रॉड अस्त व्यस्त पड़े हैं। मालिक गोडाउन में आए तो चोरी होने की बात सामने आई। तुरंत वाड़ी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच किया, जिसमें करीब 3,95,000 रुपए का तांबे का ऑक्सीजन उपकरण की चोरी होने का खुलासा हुआ। गुप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी सुंदर व उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया। भवानी माता मंदिर सिंगोरी पारशिवनी में तुलजापुर की भवानी माता मंदिर जैसा ही मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है। येवले परिवार द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्र के उपलक्ष्य में घट स्थापना करके घट की सुबह शाम आरती करके महाप्रसाद वितरण किया गया है। गुरुवार को भवानी माता के 9 दिन होने के बाद घट का विसर्जन करने के लिए कन्हान नदी के तट पर येवले परिवार द्वारा धूमधाम से विसर्जन किया गया। विसर्जन में रामकृष्ण येवले, सुरेश राव येवले, अशोक चोंदे, नाना येवले, अनिता येवले, मंदा येवले, आशा रांगनकर, बेबीताई जुमड़े, जया रांगनकर, मानिक रांगनकर, समीर येवले, सचिन येवले, समीर येवले, अनिकेत येवले व गांव के देवी भक्त उपस्थित थे। हाल ही में स्थानीय लखोटिया भूतड़ा विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्राचार्य गणेश शेम्बेकर के मार्गदर्शन में किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक सुधीर बुटे, सामाजिक उत्सव समिति के विजय दुपारे, रत्नाकर दुपारे, ज्ञानेश्वर भक्ते, शैलेश चौहान, रविंद्र जयभाय, अनंत बुरहान, राजेंद्र गोमकर, यादव पंधराम, प्रकाश मालवे, शुभम राउत आदि उपस्थित थे। विद्यालय के खेल मैदान में भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का निषेध कर बंद को समर्थन देते हुए इस घटना के आरोपी को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग का ज्ञापन थानेदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया। बंद को समर्थन देते हुए कन्हान राष्ट्रवादी कांग्रेस ने थानेदार विलास काले को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नागपुर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर भीमटे, रामटेक विधानसभा कार्याध्यक्ष अशोक पाटिल, पूर्व सभापति देवीदास जामदार, मोरेश्वर
शंकर खड़ से महिला जिला उपाध्यक्ष शशिकला बागड़े, डीसी संबित पार्वती यादव, महेश हाथागड़े, अंबादास खड़ से योगेश पोटभरे, नरेश सोनेकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 964 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 70,300 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 29,690 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 11,724 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। रामटेक तहसील के नागपुर जबलपुर महामार्ग पर मध्य प्रदेश सीमा के पास मोरफाटा दरगाह में चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने मोरफाटा दरगाह के हजरत नेमत अली शाह दरबार की दान पेटी का ताला तोड़कर अंदाजन 1,000 से 1,500 रुपए चिल्लर तथा कुछ नकदी नोट चुराकर ले जाने से तहसीलदार रामटेक के आदेश पर देवलापार मंडल के मंडल अधिकारी अमोल बलिराम पोतदार ने देवलापार पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की है। मिली जानकारी के अनुसार मोरफाटा के हजरत सखी पीर बाबा दरबार के प्रशासक के तौर पर रामटेक के तहसीलदार कार्यभार संभालते हैं। 26 सितंबर को सखी पीर बाबा दरगाह से आरिफ खान उर्फ जुल्फिकार निजामी नाम के व्यक्ति ने तहसीलदार को फोन कर हजरत नेमत अली शाह दरबार की दान पेटी का ताला टूटा हुआ रहने की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर पोतदार और खुद तहसीलदार ने नेमत अली शाह दरगाह में जाकर देखने पर दरबार की दान पेटी का ताला टूटा दिखा। जांच करने पर करीबन 1,500 रुपए चिल्लर की चोरी स्पष्ट हुई। यह दरगाह भाविकों के लिए रोज सुबह से शाम तक खुला रहता है। 2-3 महीने से दरगाह की दान पेटी को खोला नहीं गया था। चोरों ने 1 अगस्त से 26 अगस्त के बीच दिन में चोरी की होगी, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।